दोस्तों, अगर आप भी अपने वीवो आईक्यू फोन में आई फोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको आज की वीडियो बताऊंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको थीम एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों, जैसे आप थीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको फॉन्ट सेक्शन पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है आविस फॉन्ट। जैसे हम पे सर्च करेंगे दोस्तों, जैसे हम पे सर्च करेंगे आविस फॉन्ट, आपके सामने आविस फॉन्ट आ जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आविस एक्टिव फॉन्ट है, आविस नेबल फॉन्ट है, आविस क्लासिक है, आविस ब्लैक वेट है। आप जिस भी फॉन्ट को अपने फोन में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उस फॉन्ट पर टाइप करना है। दोस्तों, जैसे इस पर टाइप करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक फ्री ट्रायल का, दूसरा है परचेस होगा। ये एक पेड फॉन्ट है। अगर आप परचेस पर टाइप करेंगे तो फिर आप प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें ऑप्शन आएंगे एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड का, पे यू पी आई है, नेट बैंकिंग आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा मैं फ्री मेथड बताऊंगा, आप इस फोन को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल पे टाइप करना है, फिर आपको डाउनलोड नाउ पे टाइप करना है। फिर उसको आपको यहाँ पे ट्राई नाउ पे टाइप करना है। जैसे टाइप करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा 30 मिनट ट्रायल यूज़ का, दूसरा है 5 मिनट ट्रायल यूज़ का। अगर आप 30 मिनट पर टाइप करेंगे तो फिर आपको 30 सेकंड गैड देखने होगी, फिर आपके फोन में 30 मिनट के लिए फोन अप्लाई हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट के लिए टाइप करेंगे इस पर तो फिर दोस्तों आपके फोन में 5 मिनट के लिए फोन अप्लाई होगा। आपको अगर आपको 5 मिनट ट्रायल यूज़ आपको उस पर टाइप कर देना है, फिर आपके फोन में फोन अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो फोन है वो अप्लाई हो गया है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का फोन। दोस्तों, अब आपको जो है रिसेंट ऐप से यहाँ पे थीम एप्लीकेशन को रिमूव कर देना है बैकग्राउंड से। तब रिमूव कर देंगे, फिर आपको थीम एप्लीकेशन पे टाइप करके रखना है, फिर आपको ऐप इन्फो में जाना है। जैसे आप ऐप इन्फो में जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज कैशे पे टाइप करना है और आपको क्लियर कैशे कर देना है इसका। फिर उससे आपको नोटिफिकेशन में जाकर आपको उसकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है थीम एप्लीकेशन की, फिर आपको बैक आ जाना है। दोस्तों, अगर आप थीम एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को ऑफ नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों 5 मिनट के बाद थीम एप्लीकेशन से पॉपअप आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा फोन को बाय करने का, या फिर आपको फोन को एग्जिट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपको थीम एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को ऑफ और उस आपको थीम एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है 5 मिनट के बाद। अगर आप ओपन करेंगे थीम एप्लीकेशन को तो फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा और आपको या फिर फोन को परचेज करना पड़ेगा या फिर फोन को आप एग्जिट करना पड़ेगा आपको। तो फिर तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, यहाँ पे फोन रिमूव होता है कि नहीं होता है। तो उस यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया, अभी भी मेरे फोन से फोन रिमूव नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोन है वो अभी भी अप्लाई है। अगर आप लोग गए हैं 5 मिनट के बाद थीम एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, अगर आप लोग 5 मिनट के बाद थीम एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पे ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस नाउ। आप लोग पे टाइप करके यहाँ से परचेस कर सकते हैं फोन को। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एन एक्स्ट्रा 30 मिनट ट्रायल। आप लोग इस पर टाइप करके 30 सेकंड की एड है कि आपको एड को देख लेना, फिर आपके फोन में 30 मिनट के लिए और फोन अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस पर टाइप करेंगे एंड ट्रायल पर तो फिर आपके फोन में जो आपने जो फोन को अप्लाई किया था पेड फोन को वो रिमूव हो जाएगा और आपके फोन में जो डिफॉल्ट फोन था वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको थीम एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई आप वो करेंगे तो फिर आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं फोन को। दोस्तों, मैंने आपको बता दी कि आप लोग कैसे अपने वीवो आईक्यू फोन में आई फोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज माय फ्रेंड साइनिंग ऑफ।